किस लिए उतरे हैं सर? ये बहुत पुरानी झमेला है, फिर भी इधर में नया झमेला खड़ा हुआ। किसी किसी को पुलिस प्रशासन से पहल में है, पुलिस जो कहती वो करती है और सबको आकर विवाद में किसी को मार करके लड़ाई करके किसी को पुलिस लेकर उठा कर लेकर चल जाता है। आखिर कोई वजह तो होगा, मतलब क्या वजह था? जमीन के माध्यम से पुरानी जमीन नापी हो चुका है, वो जमीन को नापी नहीं मान रही है। जब वो चाहती है किसी से लड़ाई विवाद करती है। कौन कौन लड़ाई विवाद करता है? धारा मुनि देवी। अच्छा, इसी गाँव की है। हाँ, और इसके बाद में प्रशासन के हाथ में, जब प्रशासन के यहाँ फोन करते किसी को आकर गांव के किसी आदमी को पकड़ करके, औरत हो, लड़का हो, बच्चा हो, बच्ची हो, सबको लेकर चला जाता है प्रशासन। और प्रतिदिन प्रशासन कम करा, इसके चलते गांव के कोई बच्चा ऐसे आना औरत कोई नहीं सो पाती है और नींद चैन से खाना खाती है, और जब मन करता है तो पुलिस आता है उठाकर सबको लेकर चल जाता है। आप आज मांग क्या कर रहे हैं, मतलब आज प्रदर्शन के क्या मांग है आप करते हैं? मांग है कि एक आदमी मेरा आदमी को लेकर पुलिस रेस्ट करके लेकर चला गया। मांग में क्या नाम सब आदमी कट देना चाहिए, नाम कट देना चाहिए। अभी मेरा आदमी को रेस्ट करके लेकर चला गया बेगर वारंट का लेकर के, उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर भी बेगर वारंट का किसी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है और फोर्स भेज रहा है, गाड़ी आती है और जाती है। बताइए कोई नन्हा बच्चा है, किसी औरत है, क्या है, तो किसी को रेस्ट करके ले जाएगा बेगर वारंट को। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि झमेला को साफ किया जाए और आज के बाद हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई नहीं आ सके। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद। कहाँ का? यही किस गाँव, गाँव का नाम बताइए। समझौता के लिए प्रशासन जब आया तो पूछा कि मतलब क्या हुआ, तो प्रशासन बोल रहा कि वो मेरी बीबी है, वो जो बोलेगी वो करेगी। कौन है वो, मतलब गांव की रहने वाली? गांव की रहने वाली है, वो खाना वो खाना बनाती है। अच्छा, पूरा लो कटोरा कर रखी है, वो जो बोल दिया वही वो दुर्गा करता। तो कौन से थाना प्रभारी आए थे यहाँ पर? वो फांसी थाना है। क्या नाम है उनका जो थाना? रविंदर राम। हाँ, रविंदर राम नाम है। तो फायरिंग वायरिंग भी हुआ था क्या? हाँ, फायरिंग हुआ था। तो अभी आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि बिना वजह के वो उनको पकड़ के ले गए हैं। किसको पकड़ के ले गया है? सिंगमार सिंह को पकड़ के ले गए जी। तो हम मांग करते हैं उनको छोड़िए, ये कोई कानून खिलवाड़ नहीं ना है कि वो तुम्हारी रखेल है तो तुम उसके चलते किसी को भी पकड़ के ले जाओगे। यानी मतलब गाँव में इस तरीके काफी परेशानी बढ़ गई। बहुत परेशान करके रख दिए सबको, पता कर लीजिए इतना लोग यहाँ पर खड़ा है, सबसे पूछिए, वो सबको परेशान कर रखे। और वो प्रशासन बोलता है कि वो मेरी रखेल है, मैं जो वो जो बोलेगी वो मैं करूँगा। ये कहाँ के नियम हुआ, ये कैसा कानून हुआ कि जो बोलेगी वही होगा? तभी आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं उनको छोड़िए, सिकमार सिंह को छोड़िए। आप पता कीजिए गांव में कि गलती किसका है, नहीं तो रोड जाम होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा सिंह है, मैं उनकी पुत्री हूँ। इतना लोग खड़ा है, सबसे पूछिए कि अगर उनका गलती होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्यों प्रशासन उनको पकड़ कर ले गया? कौन गाँव ये? मोहली गाँव है। किस लिए सड़क जाम कर रही है? देखिए सर, जाम करने का वजह भी बहुत है, सोचिए तो नहीं भी है। हम लोग का सिर्फ यही है कि उनका जो जमीन है, जिसका जिसका घर है, उस सबसे झगड़ा कर रही है। हम लोग कुछ नहीं बात करते, लेकिन जब हम लोग का पानी आता है तो हम लोग का रास्ता बंद हो जाता है। जब रास्ता बंद होता है तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा अपना अपना जमीन इतना इतना दोगे तो फिर हम इधर से अपना घूम के, अपना छोटा छोटा बच्चा लोग है, पानी में जाएंगे तो दह जाएंगे, इसलिए हमको थोड़ा सा रास्ता दो। अब जो ये बात बोलेगा उसी को पुलिस रात में या दिन में जब भी लाती है और घर में घुसा देती है। कौन कौन किसके किसके ऊपर आरोप आप लोग, मतलब क्या पूरा मामला है? उनका नाम है खदेरू सिंह, उसका पत्नी है। और उस एक दिन ऐसा हुआ कि पुलिसकर्मी आया, सब मतलब बोल दिया कि मारो मारो मारो, सब पुलिस तंग किया है, तंग किया है, ऐसा करके बस पुलिस लोग का ऐसा बोलने से पुलिस लोग फायर कर दिया। अब पुलिस आई थी, ये मुफस्सिल थाना से आए थे। और उस दिन क्या पता कि बिहार बंद था कि क्या बंद था, तो बताइए
जब बंद था तो पुलिस लोग को आना यहाँ का गोली तो नहीं छोड़ा था, वो कोई झगड़ा तो नहीं किया था। यहाँ पर थाना प्रभारी भी कुछ बोले हैं? कुछ नहीं बोले, पब्लिक भी बोले कि कुछ भी कर सकते हैं कि दरोगा जो आए और उनसे बोले तो दुर्गा जी बोल दे कि हम इसको रखा है, ये मेरी रखेल है। कौन दरोगा आए थे? रविंदर दरोगा। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मतलब ये तो बड़े कास्ट का है, तो ये जा रहे थे तो बोले कि बाबूजी आप समझा दीजिए इनको। समझाने गए, इनको भी नाम दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुगंती देवी। चलो, घटना का जमीनी वो लोग का विवाद है। हाँ, अच्छा वो जमीनी विवाद का है, वो जबरन चाहती है ना कि हम दूसरे में रास्ता ले ले। हाँ, और दूसरा बात तो है नहीं, ये तो अपने मुर्गी फार्म पर जा रहे थे, ये लोग बुला लिया कि बाबूजी आकर जरा समझा दीजिए, अब ऐसे वहाँ चले गए। यही इनका गलती है, और गलती इनका तो कुछ नहीं है, या तो गाँव में क्या है, उधर का है नहीं ना जमीन है उनका ना कुछ है, वो तो मुर्गी फार्म पर जा रहे थे, अब ये लोग जरा बुला लिए, इतना ही इनको बस जो कही है। तो क्या हुआ था फिर उसके बाद? कुछ हुआ था क्या? फायरिंग वायरिंग? हाँ, तीन फायर हुआ था। कौन किया था? थाना अध्यक्ष रविंदर राम कहलाता है का जो मुफसिल था ना। हाँ, और कोई और कुछ हुआ था? और कुछ का ये लोग नारा लगाए लोग कि मैंने प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, और वे फिर बोलियो दलन की मैंने ना छोड़ दो लोग, ऐसा बात नहीं क्या बंदी दिया यह सब के जाए दो लोग। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम भी कहते यह मांग कर रहे थे कि वो बिना कसूर के बड़न रोगी आदमी बड़न उनका के कसूर मैंने अथी करा दिया। क्या नाम है आपको? हमारा तो विजय कुमार सिंह नाम है। आप कौन है जो गिरफ्तार हुए? वो उनका छोटा भाई है। मामला पूरा ये बताएं। मामला यही बात है कि जो वहाँ रास्ता है, रास्ता के लिए विवाद है, ठीक है। वहाँ पर जब रास्ता का विवाद हुआ था तो उनका जो ये जा रहे थे जो बूढ़े व्यक्ति अभी जेल में गए हैं, वो उस वहाँ जा रहे थे तो 10 आदमी उनको बुला लिया बुजुर्ग के संग कि ये रास्ता है और वहाँ पानी, रास्ते पर मेन रूट पर पानी है और ये रास्ता खाली था तो वहाँ जा रहे थे, मतलब सारे गांव के लोग रास्ता उसी पर निकाल रहे थे। इनका कहना है कि नहीं इस रास्ता पर मत जाइए, आप लोग दूसरे रास्ता से जाइए, पानी है। तो सारे गाँव का आदमी बोले कि भाई रास्ता अभी तो बंद है, बाद में जाने का है। इनका कहना है कि नहीं जाने देंगे, और नहीं जाने देने का मतलब है कि आप नहीं जाएगा तो ये कैसे जाएगा सब कुछ। अभी फिर क्या हुआ है मतलब कि वो... अभी हुआ कि उस जगह पर थाना अध्यक्ष आए थे रविंदर राय, ठीक है, मुफसिल थाना के हैं। तो वहाँ पर इस व्यक्ति ने जो हाँ तो केस की थी कि मतलब नहीं जाना है, तो ये जो बूढ़े व्यक्ति थे बेचारे जा रहे थे उसी में 10-20 व्यक्ति बुला लिए, वही जवान दे दिया कि नहीं आप लोग इसको छोड़िए, लेकिन वो नहीं छोड़ने पर तालुक थी और ये केस कर दी उन पर जाकर। कौन केस कर दिया? ये जो लेडी खदेर राम के वाइफ। ये कौन है खदेर राम के वाइफ? ये मतलब मोहली गांव उन्हीं का रखेल है। अच्छा, जो रविंदर राय थाना अध्यक्ष है उनका वो रखेल है, ठीक है। कोई भी गांव का व्यक्ति जो बोल रहा है उनके कि आप सर इस पर कार्रवाई कीजिए तो सीधे बोलते हैं कि नहीं करेंगे, जो ये करेगी हम उसी को पकड़ कर ले जाएंगे गाँव से। क्या नाम आपका? मेरा नाम टुंडुन कुमार सिंह पड़ेगा। घर कहाँ हुआ? मोहली।